कोरोना वायरस इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद होने वाली जो डिप्रेशन की समस्या है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकैट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। कुछ टाइम पहले हमने अपने सेंटर पे टेली कंसल्टेशन के थ्रू एक पेशेंट देखी थी। डॉक्टर प्रियंका गोयल ने पेशेंट देखी थी। फीमेल पेशेंट थी, लगभग उम्र उनकी 55 साल थी। और उनकी हिस्ट्री ये मिली थी कि उनको लगभग 1 महीने पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था और इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ गया था। ऑक्सीजन लेवल्स थोड़े ड्रॉप कर गए थे, 80s में चले गए थे, जिसकी वजह से उनको कुछ दिनों के लिए एडमिट करना पड़ा था। एडमिट हुई थी, स्टेरॉइड्स चले थे, लेकिन 3 हफ्ते करीब में रिकवरी हो गई थी, घर आ गई थी और उसके बाद से वो फिज़िकली ठीक थी। ऑक्सीजन लेवल्स भी ठीक थे, सीटी में जो फाइंडिंग्स थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी। लेकिन इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद उनमें दूसरी तरह की समस्याएं लगी। शुरुआत में ये पाया गया कि पेशेंट की नींद बहुत ख़राब हो गई थी। रात में उनको नींद नहीं आती थी और आती भी थी तो कुछ घंटे बाद टूट जाती थी, बार बार रात में उठती थी और बहुत सुस्त थी। बिल्कुल कुछ करना बंद कर दिया था। घर में लोगों से भी बहुत कम बात करती थी, हाँ ना में बात कर ली, ज़्यादा बात नहीं करती थी। पहले उनको टीवी देखना बहुत पसंद था बट अब टीवी पर बात नहीं करती, टीवी को नहीं देखती थी। लोग कुछ बात करने का प्रयास भी करते थे तो कोशिश करते थे कि चुप रहें, अलग से रहें, और गुमसुम सी रहती थी। फैमिली मेम्बर्स जो रिलेटिव्स हैं कई बार कॉल करते थे तो इनका ये कहना होता था कि बहुत इन्फेक्शन हो गया है और पता नहीं ठीक हो पाऊंगी कि नहीं। घर वाले बार बार समझाते थे कि अब आप ठीक हो चुके हो, आपके ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आ चुके हैं, ऑक्सीजन भी ठीक आ रहा है, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं मानता था। बार बार ये कहती थी कि पता नहीं रिकवर हो भी पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, और कई बार बोलती थी कि ये इन्फेक्शन अब लेके जाएगा मुझे, अब ख़त्म होगी चीज़ें। धीरे धीरे खाना पीना भी और कम होने लगा। स्टार्टिंग में तो फैमिली मेम्बर्स को लगा कि शायद ये कोरोना वायरस की वजह से है, क्योंकि वायरस के बाद भी, इन्फेक्शन के बाद भी कई बार भूख कम रहती है लोगों की। बट इनका भूख और ख़राब होने लगी बीच में, जो थोड़ी ठीक हुई थी उसके बाद और ख़राब होने लगी, एकदम ही बेड पे लेटना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फैमिली मेम्बर्स ने बात की, साइकेट्रिस्ट से बात की, और जब इनसे बात की गई तो पता चला कि इनसे जब पूछा गया कि मन कैसा है तो इन्होंने बोला कि मन हमेशा दुखी रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, हमेशा उदासी से छाई रहती है। मन में बस यही विचार आते हैं कि इन्फेक्शन क्यों हो गया और अब बच पाऊंगी कि नहीं बच पाऊंगी, शायद जाने का टाइम आ गया है। किसी से बात करने का मन नहीं, थकान सी रहती थी, एनर्जी लेवल्स नहीं थे, नींद में बहुत दिक्कत आती थी, भूख में बहुत दिक्कत लगती थी, और ये सिम्टम्स लगभग 1-1.5 महीना से चल रहे थे ठीक होने के बाद भी कोरोना वायरस से। तो फाइनली उनका डायग्नोसिस बनाया गया डिप्रेशन का। जब पुरानी हिस्ट्री ली गई तो पाया गया कि पहले भी 15-20 साल पहले भी एक बार डिप्रेशन का एपिसोड उनको हो चुका है और ये सेकेंड एपिसोड हो रहा है। और इस प्रकार के केसेस बहुत कॉमनली देखने को मिल रहे हैं कि लोग जो कि रिकवर कर चुके हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से, उनमें बाद में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। अब एक एक अभी कुछ टाइम पहले स्टडी पब्लिश हुई थी, एक बहुत अच्छा जर्नल है लैंसेट साइकेट्रिक का, जिसमें पाया गया कि लगभग हर तीसरा आदमी जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है उसको या तो कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो रही है या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो रहे हैं। और साइकेट्रिक डिसऑर्डर में आमतौर पे घबराहट की बीमारी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं। अभी ये पूरा क्लियर नहीं है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या वायरस की वजह से हो रहा है? ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि वायरस ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहा है जिस वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि जो ये लॉकडाउन्स की सिचुएशन है जहाँ पे होम आइसोलेशन है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और तीसरी बात ये भी, जो दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं जैसे स्पेशली स्टेरॉइड्स, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में लाइफ सेविंग है, कई चीज़ों कई केसेस में जान बचाते हैं वो, लेकिन ये पता है हमें कि स्टेरॉइड्स की वजह से डिप्रेशन, साइकोसिस जैसे मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इनमें से क्या एग्जैक्टली डिप्रेशन कर रहा है, एंग्जाइटी कर रहा है, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि लोगों में इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं। तो इनका भी ट्रीटमेंट शुरू किया गया, दवाइयाँ स्टार्ट की गई। काउंसलिंग के लिए तो तैयार स्टार्टिंग में नहीं हो पाई वो, लेकिन दवाइयाँ स्टार्ट की गई और दवाइयों के साथ कम से कम नींद थोड़ी ठीक होने लगी, थोड़ी भूख बढ़ने लगी, थोड़ी घबराहट कम होने लगी, धीरे धीरे मूड भी इम्प्रूव होना शुरू हो गया था। पूरी रिकवर नहीं की थी अभी भी डिप्रेशन से, बट कम से कम इम्प्रूवमेंट आ रही थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि अगर किसी को भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है और रिकवरी भी हो जा रही है उसके बाद भी, मानसिक स्वास्थ्य पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है लोगों का, उसको सही टाइम पे पहचानना और सही टाइम पे डॉक्टर से सलाह लेके इलाज शुरू करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये प्रॉब्लम बढ़ने ना लगे। लास्ट में बस इतना बोलूँगा दोस्तों कि ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन को बहुत सीरियसली लीजिए। ये कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है कि हुआ और ठीक हो गया। आप जानते हैं लोगों की जान जा रही है, जो लोग ठीक भी हैं उनमें किसी में लंग्स में दिक्कत हो रही है, किसी में हार्ट में दिक्कत हो रही है, किसी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, किसी में साइकेट्रिक इशू हो रहे हैं।
तो हमें पूरा प्रयास करना है इनसे बचने का, वैक्सीन का जब भी मौका मिले उसको प्रॉपरली लें, डरे नहीं, और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसके बाद अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करें। तुम्हारा प्रयास यही रहता है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में जितनी भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकें उतना पहुंचाएं, और अगर आप चाहें तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।